जानेंगे तीसरे अष्टविनायक बल्लालेश्वर मंदिर के बारे में। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पाली गांव में भगवान गणेश का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ये भी यह अष्टविनायक शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। प्रचलित कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान गणेश के भक्त की याद में किया गया था, जिसका नाम था बल्लाल। इस मंदिर के बारे में खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री गणेश किसी साधारण व्यक्ति जैसे परिधान धोती कुर्ती में विराजित है। कहते हैं विनायक ने यहां पर अपने एक परम भक्त बल्लाल को ब्राह्मण के रूप में ऐसे ही वस्त्रों में दर्शन दिया था। भक्त बल्लाल के नाम पर ही इस मंदिर का नाम बल्लालेश्वर विनायक पड़ा। एक और खास बात है कि ये एकमात्र मंदिर है जिसका नाम विघ्नहर्ता के किसी भक्त के नाम पर रखा गया है। बल्लालेश्वर मंदिर मूल रूप से लकड़ी से बनाया गया था, जिसे बाद में 1760 में नाना फडणवीस द्वारा पत्थरों से बनाया गया। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसके दो गर्भगृह है। गणेश की मूर्ति के साथ साथ मूषक की एक मूर्ति भी है जो मोदक भारतीय मिठाई धारण करती है। इस मंदिर में भाद्रपद माह की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी के बीच यहाँ गणेश उत्सव की धूम रहती है। अब अगले वीडियो में जानेंगे हम अष्ट विनायक के चौथे गणेश यानी वरद विनायक के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।